हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इंडियन बाइकर आशीष। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि घर में बैठ के चश्मा पहना हुआ है। मैं ये चश्मा इसलिए पहनो कि मेरा कुछ दिनों से मेरा फीवर था, सो दिस रीजन अभी मेरा आंख अभी देखने लायक नहीं है, सो दिस रीजन मैंने ये चश्मा पहना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि झारखंड के 4 बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, ओके। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ, मैं उसका आपको पूरा मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में आप लंबे समय तक बने रहिए, लास्ट तक, तो ये आपको पता चलेगा। अगर आप झारखंड से हो या झारखंड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो, और बिलीव मी आप मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे। तो प्लीज़ देखने के बाद वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नंबर 1 वीडियो से। तो आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट करिए अब, और मैं वीडियो को अपलोड में भी लगा रहा हूँ अब, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 4 से, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है वीडियो पे, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये है झुमरी तलैया डैम, जो कि झारखंड में बहुत सारे डैम है, मैथन डैम है, डिमना डैम है, या फिर मुकुट इस तरीके के, मतलब बहुत सारे डैम है। बट स्टिल मैंने इस डैम को इसलिए चुना है क्योंकि जैसा कि आप लोग इस डैम का जो सीन देख रहे हो, इसके चारों तरफ में एक प्रॉपर जंगल है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा जंगल है, ये इतना घना जंगलों से ये जो डैम घिरा हुआ है ना, ये मानो कि इसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे कि हिरन, फॉक्सेस, मंकीज, वैसे बहुत से आपको जानवर यहाँ पर दिखेंगे, बड़े बड़े प्रजाति के बिल्ली भी आपको दिखेंगी। एंड सो दिस रीज़न मैंने इसे नंबर 4 पे रखा हुआ है, और ये सबसे बेस्ट डैम है। और ये जमशेदपुर से ऑलमोस्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, ये जमशेदपुर से ऑलमोस्ट 285 किलोमीटर दूर है। बट है, ये जाने लायक डैम भी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये डैम के सीन, आप लोग जैसे यहाँ से आप सीन देखो, ये बेसिकली डैम का जो ये मैंने कैप्चर किया है वो सिर्फ एक तरफ का किया है। जितना बड़ा ये जो आप डैम देख रहे हो ना, इतना ही बड़ा डैम एकदम जो ये पहाड़ सा देख रहे हो, पहाड़ के जस्ट बगल में भी है। सो ड्यू टू द, जिस समय मैं गया था उस समय का जो वीडियो क्लिप्स मेरे पास में था वो डिलीट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट गलती से। तो दिस सीज़न मैं आपको एक ही तरफ का डैम दिखा पा रहा हूँ, बट मैं आपको चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपने फर्स्ट एरिया से देखा, और ये है सेकेंड एरिया, आप लोग देख ही सकते हो, मुझे कुछ खास बोलने की ज़रूरत नहीं है। विथ म्यूज़िक आप लोग इन्जॉय लेते रहिए। आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से रहे हो, आप लोगों ने झुमरी तलैया का तो नाम सुना ही होगा यार। झुमरी तलैया के ऊपर में बहुत सारे गाना भी फेमस बने हुए हैं। और जिस समय मैं गया तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, सो दिस रीज़न मैं यहाँ पर खड़े होकर कुछ मैं बोल भी रहा था। आई डोंट नो, मुझे वो याद नहीं है। अगर आपको इसका प्रॉपर ब्लॉग देखना है ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जमशेदपुर झुमरी तलैया डैम का। मैं जितने भी वीडियो डालूंगा, सारा का वीडियो का लिंक प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग उस डैम के बारे में अच्छे तरीके से पता चलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस डैम का जो सुंदरता है वो निहारते नहीं, मतलब ठहर आँखें, मतलब एक जगह पर ठहर नहीं पाएंगे। इसका चारों तरफ में कुदरती नज़ारा इतना ज़्यादा बेहतरीन प्लेसेस है ना, कि मैं अब क्या बोलूँ। यहाँ पर हमने अपनी बाइक भी रख दी थी ठंडी होने के लिए। तो 100% आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 की ओर, वो कैसा है। नंबर 3 पे मैंने रखा है नेतरहाट को। जैसा कि मैंने स्क्रीन में भी लिख दिया है, नेतरहाट जो है वो झारखंड का सबसे मतलब ऊंचा गांव है। ऑलमोस्ट ये 3300 फीट या 3500 फीट है सी लेवल से ऊंचा ये। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मंकी वाला वैली आपको पार करके जाना होगा, साइड में मंकी को भी देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत से खूबसूरत आपको इस तरीके के जंगल देखने को मिलेंगे, और ये झारखंड का सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस में ये आता है। अब जब यहाँ पर जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप अपने सपनों की दुनिया में आ चुके हो। यहाँ पर आप सनराइज़ एंड सनसेट व्यू पॉइंट आप देख सकते हो। यहाँ पर चीड़ के काफ़ी घने जंगल हैं, नॉर्मल पेड़ सबके भी जंगल हैं। चीड़ के जंगल को मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ,
बिकॉज वो थोड़े देखने में डरावने से होते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बट डरावने के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। मुझे ये कुछ खास बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी बिकॉज मुझे यार मेरा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे मुझे थोड़ा अभी फीवर है, सो दिस सीज़न में अभी न्यू वीडियो में डाल नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि जो मेरे चैनल को देखते हैं वो लोग थोड़े घूमने फिरने वाले ही होते हैं, और अगर उन्हें कहीं भी घूमने फिरने जाना है तो वो लोग इन झारखंड से, अगर वो लोग झारखंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो तो टॉप 4 प्लेसेस में वो जा सकते हैं। तो ये जो नेतरहाट जो ये प्लेस है ना बॉस, इसके बारे में जितना भी आप मतलब बोलो उतना कम है। यहाँ पर आपको नाशपाती के बगीचे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एंड नाशपाती के बगीचे तो एक बात हो गए हैं, और यहाँ पर ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड आई मीन टू से इंडिया का फेमस स्कूल सब भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग नेतरहाट के बारे में सर्च मार सकते हो गूगल पे। नाउ अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पे। जैसा कि आप लोगों को ये देख करके पता चल ही रहा होगा, ये नंबर 2 प्लेस है झारखंड का, और ये सबसे बड़ा ये फॉल है। ये फॉल आपको अभी सिर्फ एक तरफ से दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगा। लेकिन उससे पहले, फॉल पहुंचने से पहले आपको किस तरह के जगहों से गुजरना होगा आपको फॉल पहुंचने के लिए, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फॉल जो है, इस फॉल का नाम है लोध फॉल, और ये झारखंड का सबसे बड़ा एवं ऊँचा ये फॉल है, और इसे पार करने के लिए आपको काफ़ी सुंदर सुंदर जगहों को पार करना होगा, ऑफ रोडिंग करनी होगी। और इस फॉल का एक नियम ये है कि आपको इस फॉल में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसका कि दाम होता है 20 रुपया। वो इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज ये फॉल काफ़ी ख़तरनाक जगह पे है। वो ख़तरनाक जगह पे किस लिए है, जैसा कि आप लोग अभी आगे देख रहे हो कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फॉल है ना, वो नेतरहाट से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। नेतरहाट में लिखा हुआ 51 किलोमीटर दूर है वहाँ का जो लिखा हुआ है, बट स्टिल मैंने अपने बाइक के मीटर से देखा था तो 60 किलोमीटर दिखा रहा था। और आपको इस तरह के ख़तरनाक तरीके से आपको ऑफ रोडिंग करना होगा, काफ़ी स्लिपी ऑफ रोडिंग है यहाँ का, जगह जगह पे पानी गिरे रहता है, और यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं जैसे कि फॉक्सेस रहते हैं यहाँ पर इस तरह के। और मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस फॉल का डिफरेंट एंगल। इससे बड़ा और खूबसूरत फॉल आपको झारखंड में और कहीं नहीं मिलेगा। झारखंड में आपको बहुत से फॉल मिलेंगे, जैसे कि जेना फॉल, तितली फॉल, दशम फॉल वगैरह वगैरह बहुत से, लेकिन ये जो फॉल है ना, उन सब में से ये नंबर 1 में आता है। ओके, ये नंबर 1 फॉल है झारखंड का, इससे ऊंचा फॉल आपको झारखंड में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 36,600 फीट है ये, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये फॉल है सी लेवल से अगर आप कंपैरिजन करो तो। और जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, सो दिस सीज़न यहाँ पर इन्होंने आर्मी वालों को भी लगा के रखा है, और साइड साइड में लाल लाल एक पट्टी भी बांध दी है जिससे कि लोग इससे आगे ना जाने सकें। और काफ़ी ज़्यादा सेफ प्लेस है ये अपने फैमिली के साथ में आने के लिए। मैं जो भी आपको एरिया बता रहा हूँ वो फैमिली के साथ में आने के लिए 100% सेफ है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग उस एरिया में जा सकते हो, आपको कोई भी जाने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठंडा का टाइम है, बारिश का टाइम तो है नहीं, बट स्टिल पानी कितनी तेज़ी से यहाँ पर गिर रहा है, और ये देख के हमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है अभी। एंड ये जो वीडियो है, इसका भी अगर आपको पूरा फुल ब्लॉग देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जमशेदपुर टू लोध फॉल, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, सारा कुछ मैं आपको लिख के अपने आपके वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो हम लोग चलते हैं नंबर 1 की ओर। भाई साहब, नंबर 1 में मैंने रखा है पारसनाथ धाम एंड हिल्स को। ये जो प्लेस है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और मेरे ही नहीं सारे झारखंडियों के लिए ये एक गर्व की बात है कि इतना बेहतरीन प्लेस हमारे झारखंड में है, और इंडिया से दूर दूर से लोग विदेश से भी इस प्लेस को देखने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इतना ख़तरनाक ऑफ रोडिंग, और वो जो मंदिर जो मैं शो कर रहा था वहाँ पर हमें जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पर आपको बाइक पार्किंग का जगह मिल जाएगा, आप यहाँ पर बाइक पार्किंग करके आ सकते हो। और अगर आपके पास में बाइक नहीं है, कार है, तो आप कार आपको नीचे में ही लगाना होगा। आपको ऑलमोस्ट काफ़ी ऊँचा 15 किलोमीटर तक, या फिर 15 किलोमीटर नहीं यार, काफ़ी अच्छा फिर भी दूरी है, उतना आपको चढ़ना होगा वहाँ से।
पैदल पैदल, बिकॉज यहाँ पर कार नहीं आ सकती है, यहाँ पर बाइक ही आ सकता है, या फिर नीचे में बाइक भाड़ा में भी मिलता है, आप लेकर के आ सकते हो। और स्टिल अगर आप नहीं भी लेकर के आने का मन है, आपको बाइक नहीं चलाने आता है, अगर आप लेडीज़ हो बाइक नहीं चलाने आता है, तो आप पालकी से भी आ सकते हो। पालकी मीन्स जो चार आदमी पकड़ के उठा के लेके आते हैं, वैसे भी आ सकते हो। और यहाँ का जो सीन है ना बॉस, वो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल यहाँ का सीन है, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही वो मंदिर है जो कि इस पहाड़ पे सबसे हाई में ये मंदिर आता है, सबसे ऊंचा प्लेस है इस मंदिर का। एंड मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है बॉस, यहाँ पर जो आप सीन इस वक्त देख रहे हो ना, ये एकदम मतलब आपके दिल में पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप बादलों को अपने हाथ से छू सकते हो, अगर आप ठंड के टाइम में आओगे ना तो बादल को आप इजीली अपने हाथ से छू सकते हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ठंडा प्लेस है, नेतरहाट से भी ज़्यादा ये ठंडा प्लेस है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को देख करके ही लग रहा होगा। और ये जो प्लेस है वो ऑलमोस्ट 5,500 फीट, सुन रहे हो ना, ये 5,500 फीट जो है ये ऊँचा पहाड़ है ये। और यहाँ से ना बहुत जो सीन जो आपको देखने को मिलता है ना, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ का सीन वो एकदम नेक्स्ट लेवल मिलता है, एकदम नेक्स्ट लेवल। वाह वाह वाह, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यार, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। आपको यहाँ पर आकर के ऐसा लगे कि आप झारखंड में नहीं हो, आप शिमला में हो। यस, मैं 100% सही बोल रहा हूँ यार, मैं आप लोग को देखो ना, यहाँ से देखो तो सही। और ऐसे ऐसे मंदिर यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट ये जो पारसनाथ बाबा का जो ये मंदिर है, ये सबसे टॉप प्लेस में है। और इससे मतलब जैसे कि मान लीजिए 10 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे, जैसे कि आगे में भी आप देख सकते हो मंदिर सब छोटे छोटे, मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगा एंड देखने को मिलेगा मे बी। और यहाँ का हाइट यार इतना ज़्यादा है ना कि देख करके अगर आप नीचे तरफ झाँकोगे ना, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आपका सर घूमने लगेगा। बट यार मुझे देख करके ना इस एरिया से मुझे प्यार हो जाता है, एकदम प्यार हो जाता है। मैं एक बार इस एरिया में गया था, अगर आपको भी इसका यहाँ का प्रॉपर व्लॉग देखना है, कैसे इस पहाड़ पे चढ़ा जाता है, कहाँ बाइक पार्किंग किया जाता है, वो सब कुछ आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, जाओ देखो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में, और लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो। मैं इस एरिया का हर एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। और यहाँ पर रहने का कोई भी टेंशन नहीं है, ओके। नीचे तरफ में इसके बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं जो कि आप आकर के रह सकते हो। और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जैन मुनियों के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर जैन मंदिर है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार यहाँ पर आप दूसरों के देखा देखी हल्ला मत करना। जब हम गए थे ना वहाँ पर, लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ के जो नए नए लड़के आते हैं वो अपशब्द लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, वो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरों के धर्म का ऑलवेज सम्मान करना चाहिए। खैर कुछ भी हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी जरूर कर देना। बाय।